सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बजट 2023 से पहले हो सकता है मोदी कैबिनेट का बिस्तर, बड़े फेरबदल की उम्मीद, नए चेहरे को मिल सकती है जगह। एस जयशंकर के पाकिस्तान को दो टूक, बोले आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर बैठाया नहीं जा सकता। बिहार के छपरा शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। गुजरात में बस कार की टक्कर में 9 की मौत, झपकी की वजह से कार डिवाइडर से वो उछलकर टकराई, बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। दिल्ली में जिम मालिक की हत्या, बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर मारी गोली, भागते समय सीसीटीवी रिकॉर्डर ले गए। हरियाणा के महिला मंत्री का ट्विटर अकाउंट है कमलेश टांडा, बोली कोई आपत्तिजनक पोस्ट आए तो इग्नोर करें। इस्तीफे वापस लेंगे अशोक गहलोत के वफादार विधायक, जल्द स्पीकर से करेंगे मुलाकात। नीलामी घरों से चुराई गई 3 मूर्तियां मिली, तमिलनाडु ने वापसी के लिए तैयार किए दस्तावेज। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का दावा, तमिलनाडु में अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती भाजपा। आरएसएस गोवा में करेगा राष्ट्रीय समन्वय बैठक आयोजित, मोहन भागवत भी होंगे शामिल। कमलनाथ बोले 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम कैंडिडेट, भारत जोड़ो यात्रा पर कहा इतिहास में किसी ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की। देश में कोरोना का खतरा, भारत में एक्सबीबी 1.5 वेरिएंट का पहला केस, स्टडी में दावा कैंसर मरीजों के कोरोना संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है। आजाद का कांग्रेस में वापसी से इनकार, कहा कुछ नेता ऐसी कहानियां गढ़ते हैं ताकि हमारे जैसे नेताओं का मनोबल तोड़ सके। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे तो भड़की ममता, पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इनकार किया, दर्शक दरगाह में जाकर बैठी। मुंबई के दादर स्टेशन पर 2 संदिग्ध बैग मिले, बम स्क्वाड को उनसे कुछ नहीं मिला, इससे पहले चर्च में हमले की धमकी मिली थी। नववर्ष की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, हमीरपुर में डीएम और एसपी ने शहर में किया रूट मार्च। चलती कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आगरा जयपुर हाईवे पर बोनट पर खड़े होकर बनाई रील, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मेरठ में देर रात सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, नए साल का सूरज नहीं देख सका प्रवेश, कुछ दिन बाद होनी थी शादी। बागपत में एसपी ने देर रात किया पैदल गश्त, लोगों से शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की, असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर।
औरैया में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी कार, गाजियाबाद के नेवी जवान की मौत, एक के लापता होने की आशंका। मथुरा में भगवान का मनाया गया विवाहोत्सव, जोधपुर के भक्तों ने वृंदावन में निकाली भगवान की बारात। जिला कारागार बुलंदशहर के बंदियों को दिया सामान, दैनिक दिनचर्या में उपयोग आने वाला सामान पाकर खुश हुई महिलाएं और बच्चे। नए साल के जश्न में क्या हंगामा तो होगी जेल प्रयागराज में, आज और कल सतर्क रहेगी पुलिस। हाईवे पर ट्रक ने दो बैंक कर्मियों को कुचला, मौत हो गई। बांदा में ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहे थे दोनों। इटावा में नववर्ष को लेकर प्रशासन अलर्ट, डायल 112 सेल्फी पॉइंट का डीएम ने किया उद्घाटन। हमीरपुर में युवती को वैन से कुचलकर मार डाला, कोतवाली से घर लौटते समय उमनी वैन ने मारी टक्कर, दो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रयागराज में शेर से ज्यादा कुत्तों का खौफ, आनंद कानन में खोद डाली तीन सुरंगें, इन्हीं से घुसे कुत्तों ने 21 हिरणों को मार डाला था। तुझे रजिस्टर छूने का अधिकार नहीं, तो शिक्षा मित्र, हेडमास्टर और शिक्षा मित्र के बीच हुई नोकझोंक। लखनऊ जू के सबसे खूबसूरत बाघ किशन का निधन, लखीमपुर के 10 गांव जिसे कांपते थे हमेशा के लिए शांत हो गई वो गुर्राहट। बरेली मंडल में उद्यमी करेंगे 5,500 करोड़ का निवेश, 2,952 करोड़ का निवेश करने के लिए उद्यमियों ने दी अपनी सहमति। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कानपुर में वसूला 8.14 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा बिना हेलमेट, फिर नो पार्किंग और तीन सवारी बैठने पर हुए चालान। हापुड़ में हाईवे पर लूट के बाद महिला की हत्या, पति के साथ कार से जा रही थी मायके, दो बाइक पर आए चार बदमाश। नगर पालिका की टंकी पर सेल्फी लेने चढ़े युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, पुलिस बोली जांच कर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ में 39 अपराधियों की 53 करोड़ की संपत्तियां जब्त, आरोपियों पर गुंडा एक्ट 13 पर रसुका की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में एक साल में बिकी 3.67 अरब की शराब, लक्ष्य से 1.5 गुना बिकी देशी शराब, अंग्रेजी शराब की कीमत बढ़ने से बिक्री हुई कम। यूपी में 24 घंटे में 7 नए कोरोना मरीज, महाराजगंज में दिन में 3 पॉजिटिव केस मिले, गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन मिले संक्रमित मरीज। मैनपुरी में बर्खास्त शिक्षिका से होगी वेतन की रिकवरी, फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के सहारे 5 साल से कर रही थी नौकरी, जांच में पकड़ी गई। श्रावस्ती में सड़क हादसे में 3 लोग घायल, कोहरे में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, रिश्तेदारी से लौट रहे थे घर। आगरा में फ्लेक्स बोर्ड फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया, जगदीशपुरक लक्ष्मी नगर में स्थित है फैक्ट्री। सड़क पर हुड़दंग क्या तो पहुंचेंगे हवालात, 3 जोनल और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी।
में एक हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट, 8 विमानों की उड़ान घंटे भर लेट, राप्ती गंगा एक्सप्रेस 13 घंटे और हिमगिरी 8 घंटे लेट पहुंची। प्रयागराज में आईटीबीपी के सिपाही से 7 लाख की ठगी, नए साल का ऑफर बताकर झांसी मिलिया, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 18 घंटे में 2 सब इंस्पेक्टर की मौत, ड्यूटी पर आया हार्ट अटैक, अस्पताल तक पहुंचे दोनों ने तोड़ा दम। प्रेमिक संग मिलकर पति को कुल्हाड़ी से काट डाला पिता भाई, पुलिस ढूंढते रहे, 11वें दिन पता चला घर के बगल में ही दफन था। पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ की हालत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी, प्रयागराज में आईसीयू में भर्ती। उत्तराखंड के जिस जगह हुआ ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, फॉरेंसिक वहां जाकर करेगी दुर्घटना के कारणों की तलाश। हादसे के बाद बेसुध पड़े थे ऋषभ पंत, मदद को लोग पहुंचे तो वो कहा प्लीज मम्मी से बात करा दीजिए। प्यार में अंधी मां, मुस्लिम प्रेमी संग रहने को मासूम को बेंगलुरु स्टेशन पर छोड़ा, लव जिहाद का भी चर्चा। उत्तराखंड में चोटियों पर बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड, नए साल में ऐसा रहेगा मौसम। मुख्यमंत्री उत्तरायणी पर लॉन्च करेंगे नई सौर ऊर्जा नीति, 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार की अधिसूचना उत्तराखंड में लागू, पुराने वाहन खरीदने बेचने वालों को लेना होगा प्राधिकरण प्रमाण पत्र। गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी झंडे उड़कर पहुंचे उत्तरकाशी, जांच में जुटी स्थानीय खुफिया एजेंसियां। उत्तराखंड में एलटी भर्ती को यूके ट्रिपल एससी की क्लीन चिट, 3 भर्तियों के नए साल में फिर से होगी परीक्षा। उत्तराखंड में 2041 के लिए राजधानी का मास्टर प्लान तैयार, 24 लाख की आबादी के लिए जुटाई जाएगी सुविधाएं। यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा में एक और बड़ा खुलासा, ट्रेजरी के डबल लॉकर में रखी थी ओएमआर शीट से हुई छेड़छाड़। ऋषिकेश एम्स में मार्च से शुरू होगी हेली एम्बुलेंस, मरीजों के लिए निशुल्क होगी सेवा। उत्तराखंड में 3 साल बाद नैनीताल और मसूली में 31st के लिए उमड़े पर्यटक, देखते ही बन रही है रौनक वहां पर। उत्तराखंड के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान, बोले बॉन्ड तोड़ने पर अब डॉक्टरों को भरना होगा 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के चंपावत में विभागीय काम से अल्मोड़ा गया एसएसबी का जवान लापता, 6 दिन से कोई नई खबर है। उत्तराखंड में मुर्गी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 1 दिन में दिए 31 अंडे, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है वायरल। कोरोना के खतरनाक एसबीबी 1.5 वेरिएंट की भारत में एंट्री, गुजरात में पहला केस मिला।
पाक के काबू से बाहर हो रहा है बलूचिस्तान, गवादा शहर में धारा 144 लागी, फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़ी टेंशन बना टीटीपी, पीएम हाउस में हुई इमरजेंसी मीटिंग, सेना के तीनों चीफ रहे शामिल। उत्तर कोरिया ने जापान सागर में दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइल, इस साल 70 बार कर चुका है ऐसी हरकत। चीन में कोविड के गंभीर हालात से WHO चिंतित, रियल टाइम्स डेटा मांगा, कहा हमारे साथ काम करे चीनी वैज्ञानिक। पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग में बिक रही रसोई गैस खतरनाक, दो वक्त की रोटी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। चीन से सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहता है रूस, पुतिन ने शी जिनपिंग से 8 मिनट बाद के फरवरी में मॉस्को आने का न्योता भी दिया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या सैन्य आभास, सेनाओं के अलावा ड्रोन भी हुए शामिल, यहां से होकर गुजरता है दुनिया का 25% तेल। वॉशिंगटन में बिकेगी पाकिस्तानी एम्बेसी, सबसे ज्यादा बोली दो दुश्मनों ने लगाई, पहला इसराइल का यहूदी और दूसरा भारतीय। जिनपिंग ने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को हटाया, यूएस में चीनी एम्बेसडर किन गेंग नए विदेश मंत्री होंगे, वांग को नया रोल देने की तैयारी। ₹2022 में बढ़ी सोने चांदी की चमक, 48,000 से 55,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 67,000 के पार निकली। छोटी बचत योजना पर ज्यादा ब्याज, किसान विकास पत्र पर 7.2% मिलेगा ब्याज, सीनियर सिटीजन को 8%। ₹2022 ने बिगाड़ा लोगों का बजट, गैस सिलेंडर ₹1,000 के पार, 1 किलो आटा ₹26 और ₹32 का हुआ। मारुति ने एस्प्रेसो का एक्स्ट्रा एडिशनल किया अनवील, कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ कार को दिया प्रीमियम लुक। बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 5.4% की बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट। शिल्पा शेट्टी समेत कंपनी के अन्य निवेश घटाएंगे अपनी हिस्सेदारी, सेबी को सौंपा प्रस्ताव। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का एक बार फिर से बोले, 2024 से पहले अमेरिका से भी बेहतर होगी भारत की सड़कें। किंग ऑफ फुटबॉल के नाम मशहूर पेले छोड़ गए $100 मिलियन की बेशुमार दौलत। नए साल में TDS ने अपने कर्मचारियों को दिया सैलरी हाई का तोहफा, बढ़ेगा 70% तक वेतन। आधार को लेकर सरकार ने चेतावनी दी, UIDAI ने कहा आधार को सार्वजनिक रूप से साझा न करें। PVS लक्ष्मण ने हरियाणवी को बताया रियल हीरो, ऋषभ पंत को रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर ने गोल्डन आवर में बचाया। पंत को रिकवरी में 1 साल लग सकता है, एक्सपर्ट्स बोले विकेट कीपिंग में घुटना टखना और कलाई अहम होती है।
जोफ्रा आर्चर समेत छह खिलाड़ियों को मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री, टेप अबाब हुआ को इस बार भी नहीं मिला खरीदार। इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने ट्वीट कर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। गौतम गंभीर ने सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल, बोली कोच और सेलेक्टर किस लिए हैं, पृथ्वी शॉ को सही ट्रैक पर लाएं। महान फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार 2 और 3 जनवरी को 15 की उम्र जिस क्लब से शुरुआत की वहीं अंतिम विदाई का भी जिम्मा संभाल रहा है। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट ड्रॉ, एम्पायर्स ने खराब रोशनी के कारण रोका आखिरी दिन का खेल। रोनाल्डो ने ज्वाइन किया सऊदी अरब का अल नासर क्लब, 1700 करोड़ से ज्यादा की है डील। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। तलाक की खबरों के बीच सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक के लिए एक गाना गाया, नेहा कक्कड़ का वीडियो वायरल हुआ। विद्या बालन ने शेयर किया फनी वीडियो, अपने बर्थडे को लेकर हुई एक्साइटेड, खिचड़ी के हंसा बन जताई खुशी। दोबारा रिलेशनशिप में जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया, अनंत अंबानी के रोका पार्टी में एक साथ हुए स्पॉट। लोकी एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो ने आलिया की तारीफ की, बोली हमें एक साथ फिल्म में कास्ट कर लो ताकि हमारे बच्चे अच्छे दोस्त बन जाएं। मां बनने के बाद और भी ग्लैमरस हो गई आलिया, इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना लेटेस्ट लुक, खूबसूरती देख फैंस बोले संतूर मम्मी। तुनिशा केस में आरोपी शीजान को 14 दिन की कस्टडी, मुंबई की वसी कोर्ट आदेश, पुलिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड और ड्रग्स के एंगल से पड़ताल करेगी। सिद्धार्थ 11 फरवरी में करेंगे शादी, वेडिंग वेन्यू हुआ फाइनल, 4 फरवरी से शुरू होंगे प्री वेडिंग फंक्शन। नए साल का जश्न मनाने निकले अर्जुन, मलाइका पत्नी के साथ दिखे वरुण धवन, मुंबई एयरपोर्ट पर कई स्लिप्स आए नजर। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री पर साधा निशाना, बोले यहां प्लास्टिक के एक्टर्स को मिलता है काम, ट्रोलर्स ने याद दिलाया शत्रुघ्न सिन्हा का नाम। दस मिनट के लिए मीका ने लिए 1.5 करोड़, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की सगाई में क्या परफॉर्म, एक शो जितनी फीस ली। कमाल आरगन के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे शाहरुख खान, के आरके ने किया था बेशरम रंग गाने का रिव्यू। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।